इंसान बहुत ही क्यूरियस नेचर का होता है और यही कारण है कि लोग अक्सर नई नई खोज करते रहते हैं। इन्हीं खोजों में कभी कभी कुछ ऐसा मिल जाता है जिसे देखने या सुनने के बाद हैरानी होती है। इन्हीं खोजों में से एक है अमेरिका के लेक सुपीरियर में मिला एक एंडियोनस नाम का जहाज जो कि लगभग 107 साल पुराना है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस जहाज को देखकर ऐसा लग रहा है कि कल परसों ही डूबा था। और रिसर्चर्स का कहना है कि वो पिछले 50 साल से इसी पर काम कर रहे हैं कि आखिर उस दिन एंडियोरस नाम के जहाज के साथ क्या हुआ था और क्रू के 28 मेंबर्स कैसे बचे। अर्नेस्ट शैकल्टन 1915 में अपनी टीम को लेकर एक मिशन पर निकले एंडियोरस जहाज के साथ, पर उनका जहाज बीच में कहीं रास्ते में फंस जाता है। उन्होंने अपने जहाज को निकालने की बहुत कोशिश की पर बात नहीं बनी और मजबूरन उन्हें अपना जहाज छोड़ना पड़ा। वो लोग अपनी जान बचाने के लिए बर्फ पर चले और पेंगुइन खाकर जिंदा रहे। कई दिनों चलने के बाद वो एलिफेंट आइलैंड पहुंचे और वहां से वो साउथ जॉर्जिया गए, ग्लेशियर से गुजरे, पहाड़ों से गुजरे और नॉर्वे में एक शिप तक पहुंचे। फिर उन्हें रेस्क्यू किया गया और सबकी जान बच गई। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।